नौकरी दिलाने के नाम पर दो भाइयों से 4 लाख रुपए हड़पे, लोन पर निकाली 6 बाइकें, पीड़ित भाई चोरी चौरा थाना पुलिस के नहीं सुनने पर एसपी नॉर्थ से मिले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित इंद्रदेव व डीपी मोटर के कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने उन्हें झांसे में लेकर नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए ले लिए, इसके बाद उन्हीं के कागजात पर लोन लेते हुए 6 बाइकें निकलवा ली। गोरखपुर जिले के चोरी चौरा क्षेत्र के इंद्रदेव ने दो भाइयों को झांसे में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए ले लिए, इसके बाद उन्हीं के कागजात पर लोन लेते हुए 6 बाइकें निकलवा ली। बाइकों का चालान कटने के बाद जब मोबाइल फोन पर मैसेज गए तो पीड़ितों को जानकारी हुई। पीड़ित जब थाने पर जालसाज के विरुद्ध तहरीर लेकर गए तो थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद सभी एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी से मिलकर शिकायत की। एसपी के निर्देश पर चोरी चौरा पुलिस ने आरोपित इंद्रदेव और डीपी मोटर के कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया। शहीद नगर के अरुण कुमार ने एसपी नॉर्थ को बताया कि उसका भाई विनीत कुमार बेरोजगार घूम रहा था, इसी दौरान उनके ही मोहल्ले का इंद्रदेव मिला और खुद को लखनऊ में स्थित पीजीआई में मेडिसिन परचेज का अधिकारी बताया और स्टोर कीपर पद पर नौकरी दिलवाने का प्रलोभन देकर 4 लाख रुपए मांगे। झांसे में आकर उसे 2 बार में रुपए दे दिए, साथ ही कुछ कागजात भी दिया गया। कुछ दिन बाद लखनऊ चलने की बात हुई, मगर इंद्रदेव ने बताया कि गोरखपुर में स्थित डीपी मोटर्स के मालिक के यहाँ पीजीआई के अधिकारी आने वाले हैं, वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। उसके बुलाने पर दोनों भाई गोरखपुर गए तो आरोपित ने अंग्रेजी में लिखे कागजात पर हस्ताक्षर कराकर घर भेज दिया। अरुण ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर चालान कटने का मैसेज आया, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने पहले घर पर बैंक के कुछ अधिकारी पहुंचे और बोले कि दोनों भाइयों के नाम पर 6 बाइकें लोन है, अगर किस्त नहीं जमा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुंडेरा बाजार के उमाशंकर उर्फ मोनू जायसवाल ने इंद्रदेव के विरुद्ध 4 पहिया वाहन दिलाने के नाम पर 13 लाख हड़पने का केस दर्ज कराया था। साथ ही 2 अन्य ने शिकायत में कहा है कि इंद्रदेव ने उन्हें लोन दिलाने के नाम पर ठगा है।